पराया हक। दूसरों का हक हमारे पास ना आए, इस विषय में मनुष्य को खूब सावधान रहना है। अपनी खरी कमाई का अन्न खाओगे तो अंतःकरण निर्मल होगा, और अगर चोरी का, ठगी धोखेबाजी का, अन्याय का अन्न खाओगे तो अंतःकरण महान अशुद्ध हो जाएगा। आजकल टैक्स बहुत बढ़ जाने से लोग व्यापार आदि में चोरी छिपाव करते हैं। जैसे जैसे वकील सिखाता है वैसा वैसा करके वे धन बचाने की चेष्टा करते हैं। वे विचार नहीं करते कि इस प्रकार धन बचाने से अंतःकरण कितना मैला हो जाएगा। एक संत कहा करते थे कि शुद्ध कमाई के धन से बहुत पवित्रता आती है। उनके पास एक राजा आया करते थे। एक बार राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आपके यहाँ बहुत से लोग आया करते हैं और आप भी कई लोगों के घरों में भिक्षा के लिए जाया करते हैं, ऐसा कोई घर आपकी दृष्टि में है जिसका अन्न शुद्ध कमाई का हो? अगर ऐसा घर आपको दिखता है तो बताइए। संत ने कहा कि अमुक स्थान पर एक बूढ़ी माई रहती है, उसके घर का अन्न शुद्ध है। वह ऊन को काट कर उससे अपनी जीविका चलाती है। उसके पास धन नहीं है, साधारण घास फूस की कुटिया है, परंतु वह पराया हक नहीं लेती, इस कारण उसका अन्न शुद्ध है। ऐसा सुनकर राजा के मन में आया कि उसके घर की रोटी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। राजा स्वयं एक भिखारी बनकर उसके घर पहुंचा और बोला, माताजी कुछ भिक्षा मिल जाए। वह बूढ़ी माई भीतर से रोटी लाई और बोली, बेटा यह रोटी ले लो। तब राजा ने पूछा, माताजी एक बात बताओ कि यह रोटी शुद्ध है ना, इसमें पराया हक तो नहीं है? तो वह बोली, देख बेटा, बात यह है कि यह पूरी शुद्ध नहीं है, इसमें थोड़ा पराया हक आ गया। एक दिन रात में बारात जा रही थी, बारात में जो गैस बत्तियां थी उनके प्रकाश में मैंने ऊन ठीक की थी, इतना इसमें पराया हक आ गया है, इसके सिवाय मेरी कमाई में कोई कसर नहीं है। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया कि इतनी सी कमी का भी इतना ख्याल है, दूसरे के उस प्रकाश में हमारा क्या अधिकार है कि उसमें हम अपनी ऊन ठीक करें। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।